डाबर इंडिया का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 2% बढ़ा और सेल्स 8% बढ़ी। ब्लू स्टार का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 29.4% बढ़ा। अपोलो टायर्स का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 50% नीचे गिरा। एल्काइल एमाइंस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पे 46% नीचे गिरा। वीआरएल लॉजिस्टिक्स का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 52.21% बढ़ा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 81.6% बढ़ा। बजाज कंज्यूमर केयर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में लगभग 33% नीचे गिरा। बीडर न मिलने के कारण बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन अगले फाइनेंशियल ईयर में पोस्टपोन किया जा सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 20% बढ़कर 49 करोड़ रुपए रहा। बलरामपुर चीनी मिल्स का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 223% बढ़ा।